हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्नो इन्फिनिटी। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो नंबर 10 है और इस वीडियो में मैं आपको एक प्रोग्राम बताऊंगा जिससे आप किसी भी रेडियस के सर्किल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने सी के ऑपरेटर्स के बारे में बताया था, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के उसको देख लें। अब हम लोग आते हैं अपने मेन प्रोग्राम पे। तो आज के प्रोग्राम में हम लोग सीखेंगे किसी भी सर्किल का एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी रेडियस का सर्किल। तो देखिए, यहाँ पे अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने डेटा टाइप से। तो यहाँ पे मैंने इंट ना लेकर के लिया है फ्लोट। तो ये इसका रीज़न मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैंने फ्लोट क्यों लिया है, क्योंकि हमारी रेडियस डेसिमल में हो सकती है, मतलब एक इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, डेसिमल भी हो सकती है। तो फ्लोट हमारी इंटीजर और डेसिमल दोनों वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद देखिए, मैंने एक वेरिएबल एरिया नाम का भी ले लिया है जिसमें हम लोग अपने एरिया को स्टोर करेंगे। उसके बाद मैंने पाई जो लिया है उसमें मैंने 3.14 को स्टोर करा दिया, यानी 22/7 को। अब देखिए, हम लोगों को यहाँ पे एक मैसेज पास करना होगा प्रिंट एफ के अंदर कि एंटर रेडियस। अब इसके बाद हमारा स्कैन एफ स्टेटमेंट आएगा, तो यहाँ पे हमें इनपुट लेना होगा रेडियस का, तो हम लोग स्कैन एफ यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ये ध्यान रखना, हम लोगों को परसेंटेज डी नहीं परसेंटेज एफ यूज़ करना है फ्लोट फ्लोट वेरिएबल्स को स्टोर कराने के लिए। और यहाँ पे हम लोगों को रेडियस में स्टोर कराना है, तो हम लोगों ने रेडियस के एड्रेस पे अपना वैल्यू स्टोर करा दी। अब देखिए, एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आपको एरिया ऑफ सर्किल पता ही होगा। तो हम लोगों ने पाई की वैल्यू पहले से ही असाइन कर रखी है 3.14, वो हम लोगों ने एक पहले से ही दे दिया उसमें। और उसके बाद जो हमारी रेडियस है उसको हम लोगों ने यूजर्स इनपुट में, मतलब खुद इनपुट देना, तो हम लोगों ने उसको स्कैन एफ में उसकी भी कोडिंग लिख दी है। तो इसके बाद बस हमें एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। एरिया वेरिएबल हम लोगों ने एक नाम का ले लिया, उसमें हम लोगों को वैल्यू स्टोर करानी है पाई इंटू रेडियस। आर स्क्वायर नहीं हो सकता है यहाँ पे, इसलिए हम लोग पाई इंटू रेडियस कर देंगे। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा हमें आकर के अपने एरिया की वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो हम लोग लिखेंगे द एरिया इज, फिर परसेंटेज एफ, परसेंटेज डी नहीं, यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल है इसलिए परसेंटेज एफ। और फिर किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, एरिया की वैल्यू, तो लिख देंगे। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे सारे कमेंट्स लिख करके रख दी जिससे आपको ये प्रोग्राम में एक एक चीज कैसे क्या हो रही है लाइन में वो आपको समझ में आ जाए। इसके बाद बस हम प्रोग्राम को अपने रन कराएंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमसे कह रहा है रेडियस को एंटर करने के, तो मैंने रेडियस डाली एक बार और हमारा एरिया फॉरन कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर के थ्रू चेक कर भी सकते हैं कि ये सही है कि नहीं, वैसे सही है। आपको अगर कोई डाउट है तो आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, आपको इसमें एग्जैक्ट फिगर मिल जाएगा कितना आ रहा है एरिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।